चलिए बच्चों, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं सैनिक स्कूल का, नॉन रिन्यूअल रिसोर्सेज लेके आए हैं। इसका नाम क्या है? नॉन रिन्यूअल रिसोर्सेज, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिसको दोबारा से यूज नहीं किया जा सकता, दोबारा से बनाया नहीं जा सकता, जो भगवान ने दिया है वही होते हैं। चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है हमारा? रिसोर्सेज ड्रॉन फ्रॉम द नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड, यानी कि ऐसे नेचर रिसोर्स जो यूज कर सकते हैं विदाउट मच मॉडिफिकेशन, मतलब उनको कोई चेंज नहीं किया जा सकता, उनको डायरेक्टली यूज किया जा सकता है। तो इनका आंसर क्या है वो देख लीजिए। इसका जो आंसर क्या होगा? नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम डायरेक्टली यूज करते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा? नेचुरल रिसोर्सेज। क्या बोलते हैं? इसका आंसर क्या होगा? बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर टू, द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन रिसोर्सेज आर, कितने आधार से हम इनको क्लासिफिकेशन करते हैं बेसिस तौर से? तो मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे पवन चक्की दिख रही है, यहाँ पे परमाणु संयंत्र भी दिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इसका जो राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या? लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज। हाँ, बिल्कुल सही बात है। रिसोर्स को हम अपने तरीके से यूज कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। दूसरा, ऑर्गेन्स होते हैं, बिल्कुल नए नए होते हैं। स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। राइट आंसर क्या होने वाला है इसका? नन ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं बेटा। यहाँ पे गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज। देखिए, अगर चाहो तो एनीवन या एनीथिंग्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो कोई भी बता सकता है मुझे। चलिए सबसे पहले मैं बताने की कोशिश करता हूँ, या आप लोग बताना चाह रहे हो तो आप बता दो। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, काफ़ी लोगों के अच्छे आंसर आ रहे हैं। चलिए मैं आपको भी बता देता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, देखिए, रॉक, मिनरल, सॉयल और एनिमल्स। तो यहां पे क्या है? बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज का मतलब क्या है? जो प्लांट को यूज करते हैं, बायोटिक है। तो ऐसे कौन से हैं? तो देखिए, इसको कौन है? इंसान और जानवर, दो लोग होते हैं। तो इंसान इसमें है नहीं, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? एनिमल, डी, जो बायोटिक रिसोर्सेज यूज करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहां पर दिया हुआ है, ये प्लांट्स वगैरह दिए हुए हैं, एनिमल्स दिया हुआ है, ह्यूमंस वगैरह दिए हुए हैं, वाटर सोर्स वगैरह, एयर दिए हुए हैं। तो मेन चीज है जो यूज करते हैं बायोटिक रिसोर्सेज, इसमें कौन आता है? एनिमल आता है, प्लांट्स आ जाते हैं और ह्यूमंस आ जाते हैं, ये लोग ही इनको यूज करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। कोल इज एन एग्जांपल। कोल क्या है? चलिए इस कोल की तरफ चलते हैं हम। पहले कोल क्या है? रिन्यूअबल रिसोर्सेज है, नॉन रिन्यूअबल रिसोर्सेज है, या ह्यूमन रिसोर्सेज है, या फिर पोटेंशियल रिसोर्सेज, क्या है कोल? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, कोल को जब भी यूज करते हैं, आप लोगों को अच्छे से पता है कि कोल क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, कोल को एक बार यूज कर लिया, जल गया, फिर उसका कोई यूज नहीं होता। इसका तो राइट आंसर क्या होगा? नॉन रिन्यूअबल रिसोर्सेज, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिनको दोबारा से यूज नहीं कर सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, टेक्नोलॉजी इज एन एग्जाम्पल। टेक्नोलॉजी एक एग्जाम्पल बताइए। टेक्नोलॉजी नेचुरल रिसोर्सेज होता है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, या बोथ ऑफ, या नन। देखिए, टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो नेचुरल रिसोर्सेज तो होता नहीं है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होता है। क्या होता है? इंसानों के द्वारा डेवलप किया जाने वाला एक तकनीक, उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी। तो ये ह्यूमन मेड होता है, यानी कि इंसान बनाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सिक्स, रिसोर्सेज यूज्ड केयरफुली एंड गिविंग देन टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड। देखिए, ऐसे रिसोर्सेज हैं, इनको हम कैसे यूज करते हैं वो सारी चीजें इसमें दी गई हैं। तो सबसे पहले हम इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स है, और सिक्स का हम आंसर भी आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है? रिसोर्सेज यूज केयरफुली, बिल्कुल ध्यानपूर्वक यूज करना चाहिए, एंड गिविंग देम, जिससे हम दे पाए, टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल, और टाइम के अकॉर्डिंग उसको रिन्यू यूज कर पाए। तो पहला क्या है? रिसोर्सेज डिप्लीशन। दूसरा क्या है? रिसोर्सेज कन्वर्शन। तीसरा क्या है? रिसोर्सेज पोल्यूशन, और नन ऑफ। देखिए, पोल्यूशन होगा नहीं, इसका आंसर पहले बात ये देख लिए, पोल्यूशन होगा नहीं, नन होगा नहीं, डिप्लीशन होगा नहीं, इसका क्या है? रिसोर्सेज कन्वर्शन, यानी कि इनको अच्छे से यूज कर सके और दूसरा भी यूज इसको कर सके। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ। बैलेंसिंग द नीड्स टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर जनरेशन
इज कॉल्ड, फ्यूचर जनरेशन के लिए बात हो रही है यहां पर। तो सेवंथ का है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सूटेबल डेवलपमेंट, यानी कि हमें इस तरीके से यूज करना है नेचुरल रिसोर्सेज को क्योंकि हम उसमें डेवलप कर पाए, उसको बढ़ा पाए। अब देखिए पेड़ पौधों को हम काट रहे हैं, ठीक है, पेड़ पौधों को आप कहोगे सर काटेंगे नहीं तो किताबें कहाँ से आएंगे, किताबें उन्हीं से बनाई जाती है, फर्नीचर आएगा, ठीक है आपने काट लिया। अगर आपने एक पेड़ काटा है तो दूसरा पेड़ लगा दीजिए, ये भी तो आपकी जिम्मेवारी है। इस तरीके से इनको डेवलप कर सकते हैं, यानी कि डेवलप करते हुए उनका यूज करना है। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध कटाई करते जा रहे हैं, कटाई करते जा रहे हैं, यूज मतलब उनको हम डेवलप नहीं कर रहे तो फिर कहां से आएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा सस्टेनेबल रेन डेवलपमेंट, यानी कि आसानी से उनको द्वारा से उत्पन्न किया जा सकता है, उनको ही हमें ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ। रिसोर्सेज विच हैव बीन फाउंड इन आर रीजंस बट नॉट यूटिलाइज आर कॉल्ड। देखिए रिसोर्सेज विच हैव बीन फाउंड इन आर रीजन, समझने की कोशिश कीजिए क्या कह रहा है वो। रिसोर्सेज विच हैव बीन फाउंड इन आर रीजंस बट नॉट यूटिलाइज आर कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पोटेंशियल रिसोर्सेस। क्या राइट आंसर है, यानी कि ऐसे कौन से हैं जिनको क्या कर सकते हैं, फाउंड कर सकते हैं और उनको यूज जो यूटिलाइज होता है रीजन बट नॉट यूटिलाइज आर, मतलब यूटिलाइज तो हम नहीं कर सकते लेकिन उनको पोटेंशियल इनको द्वारा से उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे हमने पेड़ लगा दिया, आने वाली जनरेशन यूज करेंगे हम नहीं करेंगे। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। द रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड एज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल ऑन द बेसिस ऑफ। देखिए रिसोर्सेज देखते हैं, क्लासिफाइड करते हैं टू टाइप से, एक रिन्यूअल होता है एक नॉन रिन्यूअल। नॉन रिन्यूअल रिन्यूअल मैंने यहाँ पे इस पिक्चर के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले देखते हैं रिन्यूअल रिसोर्स कौन से होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, सनलाइट है, सोलर पैनल है, विंड एनर्जी है। लेकिन नॉन रिन्यूअल कौन सा है, कोयला है, ऑयल है और गैसेस है, इनको नॉन इनको द्वारा से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, इनके भंडार सीमित हैं, लिमिटेड स्टॉक हैं, ये एक बार खत्म हो गए द्वारा से नहीं बनाया जा सकता, नेचर के द्वारा ही बनाया जाता, हमारे द्वारा इसका कोई कार्य नहीं होता। चलिए आगे चलते हैं, इसका जो अब आप कहोगे सर राइट आंसर बता दीजिए नाइन्थ का, तो राइट आंसर भी मैं आपका इसका बता देता हूं। इसका जो राइट आंसर है एग्जेक्टिविटी रहती है इनकी, यानी कि इनको एक बार सही से यूज करने के बाद दोबारा से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लास्ट का देखते हैं इसी का, चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देख रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन, मतलब उसका जो नेचुरल रिसोर्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस बात पे डिपेंड करता है, कैसे होता है। यहाँ पे मैंने अर्थ दिखा दिया है, सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट पूरे अर्थ पे है सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि हर जगह हर चीज हो, ऐसा नहीं है, सब जगह बांटा है भगवान ने, ऐसा नहीं है कि इसको ये दिया उसको दिया, तो कुछ ना कुछ सबको दिया है। चलिए देखिए इसका जो राइट आंसर सर क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर है ऑल ऑल है इसका राइट आंसर। कैसे हुआ बेटा आप मुझे बताना, जब आपको समझ में आया तो आप मुझे बताएंगे। टेरेंस है बिल्कुल, क्लाइमेट सबको दिया है बिल्कुल, अल्टीट्यूड दिया हुआ है बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल और राइट आंसर है। इसलिए बेटा आज की क्लास मेरी यहीं पे खत्म होती है, मैं आपसे आशा करता हूं कि आप हमारी क्लास से जुड़े रहेंगे और इसको शेयर भी करते जाइए, क्योंकि आप ही बच्चों ऐसे हैं कि सबको फायदा होगा, आपको भी फायदा, आपने अच्छे कार्य करोगे आपको भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मेरी शुभकामनाएं हैं, मैं सारा सिलेबस चाहे मैथ हो, इंग्लिश हो, जीके हो, साइंस हो, पर डे एक दो वीडियो आपको मिलते रहेंगे 100%। इसलिए इससे जुड़े रहिए, आपकी 80% तैयारी मेरे माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हो जाएगी। तो शेयर कीजिए तब तक और लाइक भी कीजिए। चलिए धन्यवाद।